हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप तो देख ही रहे हैं निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट फोर डेज का अगर हम चार्ट देखेंगे निफ्टी का, तो आप देखेंगे ऊपर ही गया है। लेकिन इस कंपैरिजन में अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देख रहे हैं, तो इसका चार्ट कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। देखिए, ये है मिड कैप का चार्ट और यह है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। तो ये दोनों चार्ट में आप देख ही रहे हैं, चार्ट अभी साइडवेज है और इसीलिए निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप अभी थोड़ा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है। या तो कुछ स्टॉक्स या तो साइडवेज हो गए हैं और कुछ स्टॉक्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। लेकिन ये मार्केट कंडीशन में भी हमने आइडेंटिफाई किया है कुछ स्टॉक्स जिनमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आज उनमें से कुछ स्टॉक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले कुछ अपडेट्स ले लेते हैं, फिर स्टॉक्स को डिस्कस कर लेंगे। हमारा पहला अपडेट का स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक का अपडेट मैंने एक दो दिन पहले भी दिया था और मैंने कहा था कि 805 का अगर टारगेट मेरा अचीव हो जाता है तो मैं ये स्टॉक से एग्जिट कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है और मैंने अपना ऑलरेडी एग्जिट कर लिया है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक में अगर ये जो जोन है हमारा 805 का, 805 का जोन है, ये जोन से ब्रेकआउट हो जाता है तो स्टॉक में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिलहाल तो मेरा अभी एग्जिट हो चुका है। अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट सक्सेसफुली स्टॉक में हो जाता है और मुझे कुछ अच्छा सेटअप दिखता है तो मैं स्टॉक में फिर री एंट्री प्लान करूँगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला अपडेट, TCI एक्सप्रेस। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था हमारे कॉन्ट्राबेट वाले वीडियो में। ये दोनों वीडियो है हमारे कॉन्ट्राबेट वाले, इनमें हमने 7 स्टॉक्स को डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्टॉक्स थे और हमें काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे थे। और कॉन्ट्राबेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसमें मनी और रिस्क मैनेज करना है, वो सब भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर नहीं देखा है दोनों वीडियो, आपको लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ये स्टॉक में मेरा रिटेस्ट पे बाय करने का प्लान था और मेरा 2 रिटेस्ट का लेवल मैंने सोचा था, एक तो 1130 के लेवल पे और दूसरा 1027 के लेवल पे। और आप देख सकते हैं स्टॉक 1132 के लेवल से ही टर्न अराउंड किया है और हमारे एंट्री के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 10% मूव दे चुका है। और यहाँ पे मैंने जो 200 EMA प्लॉट किया है, आप देख सकते हैं स्टॉक 200 EMA के ऊपर भी चला आया है, जो काफ़ी समय से 200 EMA के नीचे ही चल रहा था। स्टॉक अभी 200 EMA को क्रॉस करके ऊपर आ गया है। अगला स्टॉक है कैपलिन पॉइंट। ये स्टॉक को हमने 19 जून को डिस्कस किया था और हमारा 1408 का लेवल का हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने का प्लान था और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, RSI भी 60 से ऊपर आ गया है, तो अभी मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। अगला स्टॉक है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। ये स्टॉक को हमने 25 जून को ही डिस्कस किया था और कल ही मेरे बाइंग पॉइंट से स्टॉक में 7% का मूव मुझे मिल गया था। लेकिन कल क्योंकि मेरा वीडियो नहीं आ पाया इसलिए मैं इसका अपडेट आपको आज दे रही हूँ। कल स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी और आज भी आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे ही आया है। लेकिन अगर स्टॉक इसी लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो हमारे लिए एक और री एंट्री का चांस मिल सकता है। ये स्टॉक में भी मेरे टारगेट्स और स्टॉप लॉस अभी इंटैक्ट। अगला है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये स्टॉक को हमने 10th जून को डिस्कस किया था जब स्टॉक ने ये कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट किया था और मेरा रिटेस्ट में बाय करने का प्लान था। और अभी स्टॉक रिटेस्ट के लेवल से ऑलमोस्ट 12% का अपमूव कर चुका है और 11,868 का हमारा टारगेट जो है इसमें अचीव हो गया। चलिए अपडेट्स तो देख लिए, अभी देखते हैं हमारा पहला स्टॉक टेक्समैको रेल। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक करीब फरवरी 2024 से, मतलब करीब 5 महीने से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पे एक जो जोन मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसको रेजिस्टेंस लेके चल रहा था, 230 का लेवल जो है इसको रेजिस्टेंस लेके चल रहा था। आज स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। लेकिन अगर हम नोटिस करेंगे तो आज का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है और स्टॉक भी 60 से ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे अगर हम ये जो इलेक्शन वाला एक्सीडेंट को थोड़ा सा इग्नोर करें तो हम देख सकते हैं RSI कंटिन्यूसली 60 से ऊपर ही चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा वो इलेक्शन वाले एक्सीडेंट में थोड़ा बीच में नीचे आ गया, लेकिन फिर से RSI 60 से ऊपर आ गया है और आज अराउंड 6970 के पास पहुंच गया है। अभी चलिए देखते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। कल का मार्केट कंडीशन को देखते हुए अगर कुछ हमें अच्छा कैंडल्स बनता हुआ दिखता है उस केस में हम CMP पे थोड़ा क्वांटिटी में स्टॉक में बाय कर सकते हैं।
लेकिन ध्यान में रखें उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम 222 के लेवल पे, यहाँ पे 222 के लेवल पे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, रिटेस्ट करता है हमारे सपोर्ट के लेवल पे, तो मैं स्टॉक में या तो बाय करूँगी, या फिर अगर CMP पे थोड़ा क्वांटिटी बाय किया रहेगा तो रिटेस्ट पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी। तो रिटेस्ट पे अगर बाय करती हूँ तो मेरा पहला इमीडिएट टारगेट तो 246 के लेवल पे ही बन जाएगा, और ये लेवल अगर अचीव हो जाता है तो हमें ये पूरे कंसोलिडेशन जोन का भी टारगेट मिल सकता है। चलिए उस पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको अगर रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे तो हमें हमारा अगला टारगेट मिल जाएगा करीब 324 के लेवल पे 39% का। चलिए अभी देखते हैं हमारा अगला स्टॉक सुभेन फार्मा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्टॉक करीब 6 महीने से यहाँ पे एक जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा था, और ये जो 750-760 का जोन मैंने ड्रॉ किया है, इस जोन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। हम अगर नोटिस करेंगे आज स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है करीब 7% का, और अगर हम आज का वॉल्यूम को भी नोटिस करेंगे काफ़ी समय बाद स्टॉक में इतना अच्छा वॉल्यूम आया है, और RSI भी 71-72 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे भी मेरा जो बाइंग का प्लान है वो सिमिलर टू लास्ट स्टॉक रहेगा। CMP पे मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैं थोड़ा क्वांटिटी में अपना स्टॉक बाय करूँगी, और अगर स्टॉक में किसी भी रीजन से रिटेस्ट होता है उस केस में मैं और क्वांटिटी ऐड करूँगी। क्योंकि अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक में SL जो है 729 से नीचे ही मैं प्लान कर रही हूँ, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो रिटेस्ट पे अगर मुझे स्टॉक मिलता है तो वो मेरे लिए एक बेटर प्राइस रहेगा एंट्री करने का, और उस केस में मेरा पहला टारगेट इसी कैंडल का हाई मतलब 807 के लेवल पर रहेगा, और ये अगर अचीव हो जाता है तो ये पूरा कंसोलिडेशन का जो जोन है इस जोन का भी हमें टारगेट आगे मिल सकता है। चलिए यहाँ पे भी एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं और इसको रेजिस्टेंस पे पुट करेंगे, तो मेरा अगला टारगेट मुझे मिलेगा 927 के लेवल पे, जो कि रिटेस्ट से करीब 21-22% का एक बहुत ही बढ़िया टारगेट बन रहा है, और उसके सामने हमें सिर्फ 4-4.5% का ही रिस्क दिख रहा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कल्याण ज्वेलर्स। ये स्टॉक को भी अभी हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में ये जो 444 का लेवल है इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था स्टॉक, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ये एक्चुअली इस जोन से स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 3-4 दिनों से जो एक कंसोलिडेशन जोन छोटा सा बन रहा था इसका हाई ब्रेक हुआ है आज, मतलब 464 का हाई आज ब्रेक हुआ है। और अगर हम नोटिस करेंगे तो ब्रेकआउट का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, जो 2 दिन स्टॉक में सेलिंग हुआ है वो 2 दिन का वॉल्यूम काफ़ी कम रहा, और लास्ट 2 दिन का अगर हम कैंडल देखेंगे इसमें भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है। RSI को अगर हम नोटिस करेंगे ये 60-62 से सपोर्ट लेके अभी अपमूव कर रहा है, तो चलिए अभी देखते हैं स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करना है। क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ये कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट कर लिया है तो मुझे लग रहा है चार्ट अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसलिए कल के मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैं CMP पे ही कुछ क्वांटिटी में बाय करूंगी, और अगर स्टॉक मुझे फिर से रिटेस्ट करता हुआ मिलता है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, उस केस में मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगी। तो रिटेस्ट पे जो क्वांटिटी बाय किया होगा उसके लिए इसी कैंडल का हाई मेरा पहला टारगेट बन जाएगा 480 के लेवल पे, और उसके अगले टारगेट का बात करें तो हमें ये कंसोलिडेशन जोन का भी टारगेट आगे मिल सकता है। यहाँ पे चलिए एक प्राइस रेंज ड्रॉ करते हैं और इसको रेजिस्टेंस के ऊपर पुट कर देंगे, तो हमें हमारा अगला टारगेट मिल जाएगा 522 के लेवल पे, जो कि CMP से 10% का एक टारगेट बन रहा है, और मैं अपना स्टॉप लॉस 435 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगा। लेकिन जो मेरा CMP का मैंने क्वांटिटी बाय किया है उसके लिए मैं अपना स्टॉप लॉस को इसी कैंडल के नीचे मतलब 455 के नीचे प्लान करूँगी। CMP पे बाय करने का एक ही मोटिव रहता है, अगर कि स्टॉक अगर इसी लेवल से अपमूव करने लगे तो ये हमारा जो मूव है वो मिस भी ना हो, और यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आने लगे तो ये जो छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा रहता है ये मेरे लिए ज़्यादा पेनफुल ना हो, इसलिए CMP पे छोटा क्वांटिटी मैं जनरली प्लान करती हूँ, और रिटेस्ट पे फिर से क्वांटिटी ऐड करती हूँ। चलिए देखते हैं हमारा अगला स्टॉक मैक्स हेल्थ केयर। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था जब स्टॉक में ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन से भी ब्रेकआउट हुआ था, और ये जो एक हमने जोन ड्रॉ किया है
89910 का इस जोन से भी ब्रेकआउट हुआ था और ये स्टॉक में भी मेरा रिटेस्ट पे ही बाय करने का प्लान था। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक हमारे लेवल से ऊपर तो गया है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है और नीचे चला है। लेकिन मैं सोच रही थी कि स्टॉक शायद ये जो 89910 का लेवल है यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं सपोर्ट लिया है, ये नीचे आके ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है। और अगर यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो ये हमारा 20 डे EMA का सपोर्ट भी ले रहा है। तो ये जो पॉइंट है ये 20 EMA का सपोर्ट भी है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक फिर से अपमूव कर रहा है। तो ये स्टॉक में अभी एक और हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो कल के मार्केट के कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे CMPP पे मैं थोड़ा क्वांटिटी में बाय करूँगी और मेरा स्टॉप लॉस जो है मैं 878-879 से थोड़ा नीचे प्लान करूँगी और मेरे यहाँ पे टारगेट्स इंटैक्ट हैं। चलिए अभी कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो अभी रिटेस्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। पहला है इंडियन होटल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में 624 के लेवल से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी थोड़ा सा अपमूव करके अभी रिटेस्ट के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक रिटेस्ट कर रहा है कि इसी लेवल से नीचे आ जाएगा ये तो नहीं पता है, लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेता है उस केस में हमारे लिए एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर हम नोटिस करें तो स्टॉक में 20 डे EMA का अभी सपोर्ट भी मिल रहा है। अगला स्टॉक है HFCL। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 19 जून को और हमारा हाई ब्रेक पे एंट्री करने का प्लान था, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक उसके बाद से कभी ये जो हमारा 130 का हाई था उसको ब्रेक नहीं किया है और नीचे ही आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम नोटिस करें तो ये जो लेवल है यहाँ पे स्टॉक को 20 EMA का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर यहीं से स्टॉक में अपमूव आता है उस केस में हमारे लिए एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगला स्टॉक है उषा मार्टिन। ये स्टॉक को हमने 30 अप्रैल को डिस्कस किया था और उसके बाद मेरा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक में कभी भी वैसा अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था मुझे एंट्री करने का। अभी फ़िलहाल स्टॉक 378 के लेवल से ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और अभी स्टॉक का क्लोजिंग जो है वो 20 EMA के पास हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं स्टॉक अभी 20 EMA सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ये सब स्टॉक को आप ट्रैक करते रहें, अगर कोई अच्छा सेटअप आपके हिसाब से बनेगा तो आप इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे आज के स्टॉक्स, लेकिन ध्यान में रखें ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। कोई भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।